जय जय श्री जगन्नाथ। चंद्रकांति जीणी कमनी अठाणी कला कलेवर की जक जक आरती जनंकर आर्त विध्वंसने आरती जनंकर आर्त विध्वंसने महाबाहु प्रसारी छ कालक आहे नीलाचल नायक दिन अकिंचन सुखदायक आहे नीलाचल नायक धवला कमल नयन जुगल चाहानी भंगी मातिरेक दसन बसन रंगीमा अतुल दसन बसन रंगीमा अतुल प्रसन्नमय श्री कला श्रीमुख आहे नीलाचल नायक दिन अकिंचन सुखदायक आहे नीलाचल नायक। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचन घट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक दिव्य दिव्य सभ्य सभ्य भव्य भव्य प्रलभ्य प्रलभ्य साक्षात मनमथ मनमथ मृदुल मृदुल मंजुल मंजुल दीन दयाल अकृत कर्ता अमृत ममता अदृष्ट द्रष्टा भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगल रे यकिंचनर आभूम भूय भूय अनंत कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु आपण चरण को जी धरी भवसागर रु से तरी यहाँ ही सत्य आ जी आपण को छाड़ी आपण को आपण जी विमुख हो जाइए श्री प्रभु बुड़ी ए भवसागर महाप्रभुंकर की सुंदर रूप प्रभु जय जगन्नाथ टीवी रे दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर मोर बापा माँ भाई भुनी माने घरे रही अति सुंदर दर्शन समस्त को आज्ञा ये अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्छे आपण माने श्रवण करुथले अति सुंदर प्रसंग अरक्षित को दैव साहा जहाँ रखिबे साई जहाँ को प्रभु रक्षा करिवे तार किए कौन कर आपण जदि प्रभु रखिबे आउ कौन दुख कौन कर प्रभु रखिले रख जगन्नाथ केही आउ नाही रखंता तुम्हे न रखिले भासिली शुणी हुआ चिंता महापुरुष कड़े सुंदर कथा कहले अच्युतानंद महापुरुष तेणु अरक्षित को दैव साहा पंडित भजराम सतपति महाभागंकर मुखार बिंदुर आपण श्रवण करुले ये प्रसंग को महाप्रभुंकर सुंदर पतित पावन नारायण सुंदर श्रीमुख को दर्शन कर आज भक्त मैंने आनंद ही होती महाप्रभुंकर देखते कपाल से जो चिता लगी चिता तिलक प्रभु होती निजे ग्रह रूपी जनार्दन कारण महाप्रभुंकर आपण देखिए शरीर नवग्रह बास कर नवग्रह कहले प्रभु आम कौटी रहीबू ना मोर अंगरे रही जाओ श्रीअंगे महाप्रभुंकर नवग्रह कौटी कौटी नवग्रह चंद्र सूर्य हेले दुईटा जाक नेत्र महाप्रभुंकर डाहाणा आखि सूर्य बाम आखि चंद्रमा उत्तंग नासापुट महाप्रभुंकर होती महाप्रभुंकर अधर होती बुध मंगल होती नासा एवं बृहस्पति होती सुवर्णर चिता तिलक तेणु ग्रह रूपी जनार्दन होती महाप्रभु तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन जेतेबेले भक्त माने करंती अति आनंदर सहित महाप्रभु को कहंती प्रभु आपणंक दर्शन करदेले माने आउ कोउ ग्रह फांदरे आमे पड़िबुनु काहेकि ना ग्रह रूपी जनार्दनंकर दर्शन महाप्रभुंक देहरे नवग्रह आखि दुईटी सूर्य चंद्र बृहस्पति हेले चिता एवं तिलक सुवर्णर चिता तिलक एवं राहु होती मंगल होती नासा बुध बुध होती अधर चतुष्कोणाकृति मुख होती शुक्र कृष्ण वर्ण होती शनि राहु होती राहु रेखा जो महाप्रभु लगाती रेखा पंचमी दिन ता प्रभु लगे एवं केतु जो झोबा कंठी महाप्रभु धारण करती सी हेले केतु प्रभुं भितर नवग्रह आज्ञा
ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭ ଚକଡ଼ା ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ, ଆମେ ଟିକେ କେବଳ ହାତ ବଢ଼େଇକିରି ଛୁଇଁକିରି ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ। ଏ ରହସ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସର୍ବରହସ୍ୟମୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏବଂ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସର୍ବରହସ୍ୟମୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୁନି ଋଷି ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦେଶ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ, ଦେବଭୂମି ତପୋଭୂମି, ଇଏ ଇଏ ତପୋଭୂମି ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଏବଂ ଇଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ପୁଣ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକ ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ଦେଶ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। କପିଳ ସଂହିତାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଉତ୍କଳ ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେଶ ରହିଛି, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହି ତଳେ, ଉତ୍କଳ ପରିକା ଦେଶ ଆଉ ମହି ତଳେ ପୃଥିବୀ ତଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସମାନ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁତ୍ରାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାରା କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଜଗତ ସରସେ ଭାରତ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ତେଣୁ ଇଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପୁରାଣମାନେ ବେଦ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମାକୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଯାହାର ମହିମା ଅନନ୍ତ ଅପାର। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମାକୁ କିଏ ନିଜ ମୁଖରେ ଗାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟିଏ ରହିଛି, ସେ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ଆନନ୍ଦରେ କେମିତି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ରହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ। ଇଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଇଏ ହେଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏବଂ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଧାମରେ, ଯିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ, ମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ଯିବେ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି, ବାରଣାସୀ ବାରଣାସ୍ୟାଂ ଜଳେ ମୁକ୍ତି, ବାରଣାସୀ ଗଙ୍ଗାରେ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି। ଏବଂ କେଉଁଠି ସ୍ଥଳରେ ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳରେ ମୁକ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ କଲେ ମୁକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଏତେ ମହିମା, ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ, ଏଠି ଜଳରେ ମୁକ୍ତି, ଏଠି ସ୍ଥଳରେ ମୁକ୍ତି, ଏଠି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ମୁକ୍ତି। ଜଳରେ ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ସ୍ଥଳରେ ଯଦି କିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଜଳେ ସ୍ଥଳେଶ୍ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମାକୁ କିଏ ବା ନିଜ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ୟତ୍ର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଏଠି କୁଣ୍ଢିଆ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଢେଇବେ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଭାବର ସହିତ। ଗରୁଡ଼ ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ
दर्शन दौंती पतित पावन नारायण एवं प्रभुंर जो वैकुंठ वैकुंठ महाप्रभुंर जो मैंने प्राप्त हमें वैकुंठ से भगवान स्वरूप को सामने प्राप्त हमें जो मैंने वैकुंठ को जाती एवं वैकुंठ हूँ शौनक संहितार आप देखिए प्रमाण अनुसार पवित्र भारत वर्ष गंगा सागर गया काशी प्रयाग अयोध्या मथुरा वृंदावन कुरुक्षेत्र आमर एकाम्र क्षेत्र कांची अवंतिका मायापुरी यू चौदटी क्षेत्र चतुर्दश क्षेत्र एवं चारिधाम कौन ना रामेश्वर द्वारिका बद्रीनाथ एवं श्रीक्षेत्र प्रभृति ये चारिधाम मध्य श्री पुरुषोत्तम धाम सर्वश्रेष्ठ बा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र एवं सर्वश्रेष्ठ धाम भाव सर्वजन स्वीकृत श्रीक्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम नीलाद्रि कटक नीलाचल धाम शंख क्षेत्र दशावतार क्षेत्र भौम क्षेत्र जमनीक क्षेत्र पतित पावन क्षेत्र उड्डियान पीठ जगन्नाथ धाम पुरी मर्त्य वैकुंठ नाम ये क्षेत्र आज्ञा प्रसिद्ध एणु ये क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बा सर्वश्रेष्ठ धाम भाव अभिहित कर महाप्रभुंर वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ ये साक्षात वैकुंठ रूपम तत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राणामपि क्षेत्रम च तीर्थानामपि यद्वरम कपिल संहिता कड़े सुंदर कथा कहले ये प्रभुंर साक्षात वैकुंठ तेणु ये धाम रे मृत्यु हेले वैकुंठ लाभ हुए तेणु हेले क्षेत्र मानक मध्य सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र भाव ये प्रसिद्ध ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र ये प्रभुंर साक्षात वैकुंठ स्वरूप अटंती यही साक्षात वैकुंठ वैकुंठ को जो माने जानती वैकुंठ रे समस्ते भगवानंकर स्वरूप को प्राप्त हुंती अर्थात जो जीव भगवानंकर धाम को जानती से आउ फेरती ना यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम आउ से फेरबे ना तेणु से माने भगवानंकर स्वरूप को प्राप्त हुंती चतुर्भुज भगवानंकर जो स्वरूप एठी भक्त माने प्रश्न करती जदि समस्ते चतुर्भुज वैकुंठ रे ही जानती ताले भगवान को आम केमी जानवु प्रकृत भगवान किए तो ताहा मध्य आचार्य कहउछंती जे वैकुंठ रे समस्ते भगवानंकर स्वरूप को प्राप्त ही जानती चतुर्भुज ही जानती किंतु समस्तंक पाखरे तीनटी जिनिष न थाय कौ कौ जिनिष ना प्रथमटी होउछंती लक्ष्मी न थांती समस्तंक पाखरे लक्ष्मी केवल भगवान पाखरे थांती नारायण पाखरे थांती लक्ष्मी भगवान स्वरूप को समस्त प्राप्त हेले नारायण पाखरे केवल लक्ष्मी रहिबे एवं आउ दुईटी कौन ना आउ गोटे हेला कौस्तुभमणि कौस्तुभमणि अटई कंठ तटर हार क्यों माला दे पूजीबी आहे नीलाद्रीवर तेणु कौस्तुभ मणि जहाँकर कंठ तटर हार से प्रभु को कौन देकर आम पूजा करवा कि पूजेबी प्रभु आपण को किए कौन देकर पूजा कर नाथ तेणु कौस्तुभ मणि आपणकर कंठ तटर हार शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्ये निरामय निरामय मध्ये ज्योति स ज्योति भगवान या पूर्ण परब्रह्म अटंती महाप्रभु तेणु वैकुंठ लीला महाप्रभुंकर वैकुंठ रे कौस्तुभ मणि महाप्रभु पाखरे लक्ष्मी महाप्रभु पाखरे आउ गोटे कौन लक्ष्मी रहिले कौस्तुभ मणि रहिले प्रभु पाखरे श्रीवत्स श्रीवत्सर पाद चिन्ह वक्षस्थल आउ कह न था केवल भगवान पाखरे
तेणु ये सर्वरहस्यमय वैकुंठ महाप्रभुंकर ये क्षेत्र एवं यही क्षेत्र रे यही धाम रे मृत्यु हेले वैकुंठ लाभ हुए बोली प्रमाण रही शास्त्र तेणु अति सुंदर भाव भक्त माने आसुछंती दर्शन करिवापई किंतु ये क्षेत्र आपण देखिबे ये क्षेत्र सब क्षेत्र मानक मध्य आज्ञा राजा अटंती पुरुषोत्तम क्षेत्र आ सर्वरहस्यमय क्षेत्र ये सर्वरहस्यमय वैकुंठ धाम प्रभुंकर ये मर्त्य वैकुंठ एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र समकक्ष क्षेत्र आउ कौठी नाही इंद्र नीलमणि पुराण वर्णना करती जे कलिजुगरे श्री पुरुषोत्तम धाम सर्वश्रेष्ठ धाम भाव रे परिगृहित एवं आपण देखिए सब जिते तीर्थ रही क्षेत्र रही सब तीर्थ क्षेत्र मानकर विनाश हो जाए आउ सब जो विनाश हो जाए केवल पतित पावन गंगा आउ पतित पावन क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम विनाश बा विलय घटे ना श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य कहगला जे पृथ्वी आकाश स्वर्ग रे मुख्यदायी जो 3.5 कोटी संख्यक तीर्थ अच्छा से मानक मध्यरु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज भाव रे ख्यात सारूप्य सालोक्य सारष्ठी सामीप्य एवं साजुज्य ये 4 प्रकार मुक्ति ये मुक्ति मानक भितर जो सारूप्य सालोक्य सारष्ठी एवं सामीप्य एवं साजुज्य 5 प्रकार मुक्ति मानक मध्यरु ये क्षेत्र साजुज्य मुक्ति प्रदान करिथांती भागवत रे तृतीय अध्याय मध्य ये जो 5 प्रकार मुक्ति संपर्क रे कुहा जाइछि जे ये 5 प्रकार मुक्ति भितरु सर्वश्रेष्ठ मुक्ति होउछि साजुज्य साजुज्य मुक्ति आ मुक्ति रे जीव परब्रह्म को ठारे लीन हो जाए अर्थात जन्म मृत्यु चक्र रु उद्धार पाई जाए तेणु यही जो क्षेत्र समान क्षेत्र विश्व ब्रह्मांड रे माने केउठारे हेले नाही नीलाद्रि महोदय दृढ़ स्वर रे कहंती एतत् क्षेत्र समम क्षेत्रं नास्ति ब्रह्मांड मंडले एपरि क्षेत्र आ कोठी नाही ब्रह्मांड मंडल भितरे इपरिका क्षेत्र आ कोठी अछि के कहिबो वचने से क्षेत्र र महिमा जमन लंघई जार मुकतिर सीमा जार मुकतिर सीमा जम लंघन करि पारंती नै जमंकर एठि अधिकार नै ई क्षेत्र रे ई परम गोपनीय क्षेत्र स्थली आज्ञा तनु ई क्षेत्र संपर्क रे बृहत नृसिंह पुराण रे मध्ये कह जाई ये रहस्यमय वैकुंठ प्रभुंकर तेणु श्रीक्षेत्र धाम को देखिबे मर्त्य वैकुंठ भूस्वर्ग एवं नित्यलोक अवस्थान करुवा परब्रह्म ठारु जेपरी समग्र विश्व ब्रह्मांड समग्र देव दानव मानव चराचर जगत सृष्टि सेहीपरी भाव आपण देखिबे श्रीक्षेत्रस्थ श्रीमंदिर रत्न सिंहासन सगुण साकार रूप परिग्रहण करी अवस्थान करुवा दारु ब्रह्मं ठारु समस्तंकर सृष्टि आज्ञा के सुंदर आनंद बजार देखिले पाग टिके मध्य आज मेघुआ पाग टिके हल्का मेघुआ पाग रही सकाळे मध्य आज वर्षा मध्य होइछि तेणु श्रावण मास वर्षार दिन ये भक्त माने के सुंदर भाव दर्शन करिया पय आछंती प्रभुंकर दर्शन करिवे कारण जगन्नाथ स्वामींकर दर्शन करदे सब किछि मिली गला जगन्नाथ दर्शन करदे सब किछि भक्त को प्राप्त हो गला समग्र भारत वर्ष रे आज्ञा देखिबे 4 गोटी धाम श्रेष्ठ धाम किए श्री पुरुषोत्तम धाम सर्वश्रेष्ठ काहीकि श्रेष्ठ ये हला कारण ये धाम अधिष्ठाता होती स्वयं जगतर नाथ पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभु आ महाप्रभु होती साकार भितर निराकार सुप्त भितर जाग्रत जड़ भितर चेतन व्यक्त भितर अव्यक्त क्षुद्र भितर बृहत आज्ञा
सर्वोपरि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अर्थात असत्य भितरे से ही सत्य पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ शून्यवादर आज्ञा प्रतीक से होती महाप्रभु होती शून्यवादर ठाकुर तेणु रत्न सिंहासन महाप्रभु साकार रूप से बस प्रकृत से प्रकार साकार रूपी ठाकुर नुहंती से संपूर्ण निराकार से तांकर निराकारत्व को प्रमाणित करने हस्तपद रहित एक शून्य अवयव धारण कर विराजमान करवयव धारण कर रत्न सिंहासन मंडन से अवयवरे आखि ना आज्ञा केवल अच्छी दुईट शून्य कान ना अच्छी केवल दुईट शून्य पाटी ना अच्छी केवल गोटे शून्य हाथ ना अच्छी केवल दुईट शून्य नाक ना अच्छी केवल गोटे शून्य पाद ना अच्छी किंतु अंटा ठार आज्ञा पाद पर्यंत गोटे शून्य रही अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ न गोटे शून्य को धारण कर एक महाशून्य अवयव भीतर निराकार ब्रह्म रूप से विद्यमान होती प्रभु तेणु शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्ये ज्योति स ज्योति भगवान आय तेणु विचित्र रहस्य पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाशून्य भीतर आज्ञा केवल टिके मात्र ज्योति आलोक बिंदु से वास्तव में आज्ञा हस्तपद नासा कर्णादि रहित हेले भी बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना अर्थात हस्त न थाई से महादानी अटंती जी जो भक्त जो भावना रखिकी प्रभु पाखक आसवांछा प्रभु तक पूर्ण कर दिं तेणु हाथ न थी महादानी होती महाप्रभु कर्ण न थी महान श्रोता आज्ञा आमर शुणवार माने सामर्थ्य शक्ति कर्णर केते सीमित आमको दूर रू किए कौन कहले आमको शुभव ना आम कर्णपुटर जी कर्णर सामर्थ्य कान से कथा शुणब एवं पाखेर मध्य आम परस्पर भितर कथा होता तथापि बेले बेले आमको शुभे ना ये कौन कहलु आउ थे टी कहलु मत शुभिलानी कौन कौन आम एम पचारि था किंतु जगन्नाथ महाप्रभुंर कान न थी होती महान श्रोता आज्ञा आप घरे बस जय जगन्नाथ टीवी देखुं दर्शन करतीत पावन नारायण मोर बापा माँ भौणी मान कथा को श्रवण करुँच घरे रहीकि महाप्रभु डाकिबे प्रभु जापारे डोरी टी लगे दि कालिया शांत प्रभु आप डोरी लगे दिंतु महाप्रभु शुणे महान श्रोता जी जो रहीकि डाक प्रभु शुणु लक्षे योजन रे गज डाकिला हे देव राज ताडाकु चतुर्भुज महाप्रभु गज डाकिला लक्षे योजन रे महाप्रभु शुणिले द्रौपदी डाकिले शंख चक्र गदा पाणी द्वारका नीले अच्युत गोविंदं पुंडरीकाक्षर क्षमा शरणागत रक्षा कर प्रभु भगवान आसिकी शुणिले ना ना तेणु कान न थी महान श्रोता अटंती महाप्रभु भक्त गरुड़ स्तंभ पछरे थी कहले शुणती मंदिर बेढ़ नीलचक्र को चाहिए कहले शुणती महाप्रभु जो घरे अच्छा आप प्रभु को कहे प्रभु शुणे महान श्रोता अटंती सी तेणु आप देखिए पार्टी न थी महान वक्ता केत लोक आस प्रभु देखा कहले पाद न थी गमन प्रिय एवं चक्षु न थी सर्वद्रष्टा किए कहला आज्ञा जगन्नाथ पाद ना पाद जो ठाकुर न थी रत्न सिंहासन ओक आसिक रथ पर चढ़ एड़बड़ जात्रा करी आसिले प्रभु से प्रभुंर पाद ना ना प्रभु को किए टेकिक आणुले किए टेकिक आणवे कहार सामर्थ्य अच्छी शतकोटी पर्वतरु अटंती से गरु नाम बही अच्छा अचल महामेरु तेणु पाद न थी गमन प्रिय चक्षु न थी समद्रष्टा चक्षु नथिले महाप्रभु समद्रष्टा आ महाप्रभुं समदृष्टि नेत्र को आपण देखते
जी जिते दूर ढड़ा हे जो देख प्रभु को सी कह ना प्रभु मत देखुं आंकु देखुची भक्त टे दर्शन करू था प्रभु को ना ना प्रभु मत चाहते मुझे देखुची आखिरे आखिरे भक्त कथा हूँ कला कले बर कमल आखि समदृष्टि नेत्र आकी समदृष्टि पताका है महाप्रभु तेणु तो समान भाव प्रभु चाहती समस्त समदृष्टि नेत्र ये प्रभु आज से निराकार ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर मध्य रत्न सिंहासन उपर आज्ञा विराजमान कर बड़ ठाकुर तेणु देखिए जगन्नाथ महाप्रभु जेहेतु बड़ ठाकुर चतुपार्श्वर थी प्रत्येक वस्तु आज्ञा बड़ ठाकुर नाम आज्ञा बड़ ठाकुर मंदिर देखिए बड़ मंदिर बा बड़ देउल देउल है बड़ देउल आस्थान रत्न सिंहासन पत्नी महालक्ष्मी नैवेद्य महाप्रसाद भोग बड़ भोग पूजक बा पंडा बड़ पंडा बेढ़ा मध्य वृक्ष कल्पवृक्ष दांड बड़ दांड रथ सर्वश्रेष्ठ रथ आर देउल निकटे समुद्र हूँ आज्ञा महोदधी सर्वधर्मर समन्वय होती जगन्नाथ महाप्रभु हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान जैन तथा बौद्ध जी आसती जगन्नाथ को आज्ञा इष्ट बोली मन करु देखिए आमर सनातन परंपरार हिंदू धर्मर आमर विभिन्न गोष्ठीर उपासक वैष्णव श्री जगन्नाथ महाप्रभु भितर विष्णु को देखते शैव माने भगवान शिव को शाक्त माने महामाया गणपत्य माने भगवान विनायक को सौरी माने जो माने सूरी सूर्य उपासक माने सौर जो माने से माने भगवान सूर्य को दर्शन करते महाप्रभु भितर सुतरा इमाने श्री जगन्नाथ को निज निजर इष्ट मन करी से मानकर भक्ति अर्घ्य अर्पण कर प्रभु प्रभु पाद तले एवं जदि देखिए नवम शताब्दी रहस्यमय प्रभु जो वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ नीलाचल धाम या भितर अनेक रहस्य रही क्षेत्र में सर्वरहस्यमय ये वैकुंठ धाम प्रभु नवम शताब्दी आज्ञा ये क्षेत्र गोटे तंत्र पीठ भाव परिचित था तंत्रपीठ आउ एही पीठ रे इष्ट देवता थिले श्री जगन्नाथ तेणु से तांत्रिक बामर वज्रजानी माने जगन्नाथ को तांकर इष्ट देवता मध्ये मने करंति पूजा अर्चना बा तंत्र साधना आदि करूथिले से समय तेणु अनेक रहस्य ये क्षेत्र रही आने जगन्नाथ को महाभैरव माने महाभैरव भाव ग्रहण कर माने ग्रहण करते कि चोड़गंगदेव शासन काल रु श्री जगन्नाथ पूर्ण ब्रह्म विष्णु रूप से पूजा पाइबारु माने आरंभ कले जगन्नाथ विष्णु रूप से पूजा पाते हैं पूर्व प्रचलित तांत्रिक प्रथार प्रभाव श्रीक्षेत्र प्रचलित एवं भी आज्ञा रही जगन्नाथ महाप्रभु को श्रीमंदिर भितर तो अनेक रहस्य रही श्रीमंदिर बेढ़ा भितर आप देखिए अनेक तांत्रिक परंपरा एवं भी आपन को देखा मिले अनेक तांत्रिक परंपरा अनुभूत तांत्रिक माने बेढ़ा मध्यस्थ कुताम चंडी सम्मुखें तंत्र साधना जो माने तांत्रिक से माने आसिक गुप्तर बसी थे जापर से तांत्रिक बोली सुंदर भाव देखु भक्त मैंने आसिक अरुण स्तंभ को टे आग छुई दौर स्पर्श करदे कारण ये अरुण स्तंभ से हाथ लगे भक्त मन पवित्र हो जाए मन निर्मल हो जाए प्रभु पाखक जावा मानने परिष्कार होवा दरकार परिष्कार कहले कौन लुगापटा परिष्कार थी चल निश्चित भाव वस्त्र शुद्धता तो रहा दरकार किंतु अरुण स्तंभ को स्पर्श करदे वस्त्र पवित्र हम मान वस्त्र परिष्कार आमर मन परिष्कार आमर काया पवित्र काय मन वाक्य पवित्र पूर्वक भक्त महाप्रभु का दर्शन निमंते प्रवेश करुचं सिंहद्वार गुमुट मार्ग दे तेणु प्रभुंकर
दर्शन निश्चित भाव करे एवं प्रभु दर्शन करके बेढ़ा भितर अनेक रहस्य रही है। जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर भितर एत कथा अच्छी एत रहस्य अच्छी जीवन बीती जीव किंतु गवेषणा सर खोजा सर चली थी से श्रीमंदिर भितर अनेक परंपरा एम देखिए तांत्रिक मैंने सब से बसिकी उतामजनी सामने साधना करुवे तेणु जगन्नाथ महाप्रभु देखिए रोषशाला जितेबले महाप्रसाद प्रस्तुत हुए तांत्रिक प्रथार आज्ञा देखिए परंपरा अनुसृत हो कौन ना यदि ये दृष्टि वज्रजानी माने श्री जगन्नाथ को महाभैरव रूप से पूजा करूँ जी आसी प्रभु को सी तर इष्ट रूप से स्वीकार कर जगन्नाथ तुम्हें मोर मु तुम ये भाव तेणु सर्वरहस्यमय वैकुंठ धाम महाप्रभु ये धाम रे अनेक रहस्य रही देखिए केवल से नुह ओंकारवादी माने साकार रूप को ओम एवं तांकर नाभि कमल ब्रह्मरु मिसाई श्री जगन्नाथ को ओम ब्रह्म भाव रे पूजा करूँ आहु देखिए इस्लाम धर्मावलंबी प्रभु श्री जगन्नाथ प्रेमर तल्लीन हो जाए इस्लाम धर्मावलंबी साल बेग श्री जगन्नाथ जन जेहेतु परम भक्त थिले कुष्ठ रोगरु श्री जगन्नाथ अपार कृपारु सामान्य आरोग्य लाभ कलापरे एकदा से श्री जगन्नाथ को जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रथ पर दर्शन करने सुदूर मानने दिल्ली चली चलिक आसते कि आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिन पूरी निकटस्थ बाटमंगला निकट में जो पहुँची से समय को अपराह हो जाए तेणु से चिंता कले कौन आउ कौन सी मत पुरी रे पहुंची महाप्रभु श्री जगन्नाथ को रथ पर दर्शन करें आते गुड़े परिश्रम सब वृथा जीव तेणु विकल स्वर आज्ञा से डाकी कहे 750 कोश चली न पार रही मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी रही प्रभु सालबेगर भाव को इच्छा को प्रभु रक्षा करण सब बेले प्रभु होती सेवक वत्सल सेवक मानकर रुचि को रक्षा करती महाप्रभु एवं महाप्रभुंकर रथ सालबेग पुरी में पहुँचवा पर्यंत आज्ञा बड़गुंडी ठार अटकी रही एवं पुरी में रथ उपर महाप्रभु दर्शन कर सारापर से प्रेम एपरी तल्लीन हो जाते जे से आउ पछक फेरी न थिले भजन कीर्तन में बुड़ी आज्ञा रे देखिए इस्लाम धर्मावलंबी संत कबीर सी मध्य आसिक जगन्नाथ महाप्रभु प्रशस्ति गान कर जगन्नाथ होती समस्त समस्ते श्री जगन्नाथ को अंतर बहु मात्रा रे प्रेम करेणु अनेक कथा रही जैन धर्मावलंबी मान बौद्ध धर्मावलंबी मान यथाक्रम आदि जीन तथा भगवान बुद्ध बोली माने जुक्ति दर्शाई कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्मर केतक मौलिक तत्वर निर्दे माने निदर्शन जगन्नाथ तत्व पर जैन मानकर मतरे जगन्नाथ महाप्रभु होती जीननाथ कारण जैन मानकर जो धर्मगुरु बा तीर्थंकर थिले से मानकर नाम सह नाम संयुक्त थिला यथा ऋषभनाथ पार्श्वनाथ और भगवान जीननाथ जेहेतु जगन्नाथ नाम सह नाथ संयुक्त यही दृष्टि से मानक मतरे जगन्नाथ ही जीननाथ एवं जैन मानक गोटे रथयात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि अनुष्ठित होता है श्री जगन्नाथ रथयात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि अनुष्ठित होने विश्वास करती कि मानने जीननाथ होती जगन्नाथ एवं आउ गोटे कथा मानने जैन धर्म गोटे गज पूजार परंपरा अनुसृत होता है जेहेतु स्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ गजानन बेश धारण करती सी दृष्टि जैन मैंने श्री जगन्नाथ को जीननाथ भाव ग्रहण कर बौद्ध मान जी आसी सी देखी कही प्रभु तमें मोर मु तुम बौद्ध मान आने जगन्नाथ महाप्रभु को भगवान बुद्ध भाव ग्रहण कर मतरे
जगन्नाथ ही होचुंदी भगवान बुद्ध। तेणु भगवान अनेक लीला ए क्षेत्र एवं से आप देखिए जगन्नाथ महाप्रभु अनेक कथा रही बुद्ध मान बुद्ध को आम साधारण तो जानचे बुद्ध होती कौन ना नवम अवतार किंतु श्रीमंदिर सिंहद्वार मध्य पूर्वर जो दश अवतार चित्र रही आज्ञा नवम अवतार रे बुद्ध परिवर्तन जगन्नाथ को निान बर्तमान तो दशावतार मूर्ति लगिना मरामती समय पढ़ा जाइए से मूर्ति पुनराय लगिना तेणु जी आसी महाप्रभु सी तर इष्टदेव रूप से दर्शन कर प्रभु होती एमतीका जी आसी मुंड नुआईक जीव प्रभु पाखे आ प्रभु को कहे प्रभु मत आपणार कर मत निजर करनी प्रभु तेणु आपण देखिए एवं बौद्ध धर्मावलंबी मान जगन्नाथ को भगवान बुद्ध रूप से ग्रहण करी नेबार अनेक गुड़िए कारण अच्छे प्रथम आज्ञा देखिए केतक गवेषक माने मत दिंती बुद्धंकर दंत अच्छी बोली आहरी अनेक कथा एवं अन्य केतक गवेषक माने मत दिंती बुद्धंकर दंत श्रीक्षेत्र रही प्रमाण मिले एवं बुद्धंकर दंत थिला बेले श्रीक्षेत्र नाम दंतपुरी थिला एवं परवर्ती समय रे दंतपुरी केवल पुरी को रूपांतरित होगला। द्वितीयर मध्य मत दिंती गवेषक माने जे बौद्ध धर्म रे नारी को धर्म भाव रे ग्रहण करा जाय थाय संग भाई भौणीर निविड़ संपर्क को बुझाई थाए आ बुद्ध ही स्वयं भगवान तेणु से मानकर धर्मर मूलमंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि तेणु से मानकर धर्मर मौलिक तत्व बुद्ध संघ एवं धर्म को श्रीमंदिर मध्य जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा निकटर ही प्राप्त होता एणु से जगन्नाथ को भगवान बुद्ध बोली धरी नहीं था आउ गोटे कथा आहा कि सुंदर भाव रे अरुण स्तंभ को स्पर्श करी पतित पावन नारायण मुख को सेठी भक्त देखी देखिदे अरुण स्तंभ स्पर्श करवा समय रे पतित पावन नारायण रूप को दर्शन करुंट महाप्रभु तेणु एठी अनेक कथा रहस्यमय कथा आप देखिए जो कथा मान सर्वरहस्यमय वैकुंठ ये महाप्रभुंर आ वैकुंठ मर्त्य वैकुंठ साक्षात भू वैकुंठ ये महाप्रभु तेणु एठारे देव मानवरे भेदभाव नहीं जेणु विगत होइची कुंठा वैकुंठ तेणु अनंत कोटि वैकुंठ घेनी निज साथ नीलाद्री रे विजय ठाकुर जगन्नाथ मर्त्य वैकुंठ धाम श्री पुरुषोत्तम विस्तारी वरनिवाकु क्षम महावैकुंठ टी श्रीमंदिर स्थली रत्न सिंहासन नाम जहाकुटी बोली नित्य वैकुंठ ताहाकु कहती सकले विनाश नुह से ही प्रलयर जले ये नित्य वैकुंठ प्रभुंकर आई नित्य वैकुंठ रे भगवान विचित्र लीला करुचंती बड़दाण्डरे मध्य भक्त माने आपण देखुचंती दर्शन पाई महाप्रभुंकर आसुचंती तो प्रभुंकर नित्य वैकुंठ एवं सर्वरहस्यमय वैकुंठ ये सब रहस्य एठी तेणु देखिए महाप्रभुंकर अष्ट वैकुंठ को अतिक्रम कले जाइकिरि नित्य वैकुंठ रे भक्त दर्शन करंती अष्ट वैकुंठ को अतिक्रम कले नित्य वैकुंठ रे पहुंचिकिरि प्रभुंकर दर्शन करंती सर्वरहस्यमय वैकुंठ श्रवण करुथिले एवं जेहेतु समय हो सारी अकिंचन बाण को विराम देव एवं आसंतु श्रवण करवा मोर बड़ भाईना पंडित श्री सौम्यरंजन पंडा महाभागंकर मुखार बिंदु श्रीमंदिर रे द्वार ओ घर केतोटी जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।